नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ ये लो साइन करवा। हाँ ठीक है सर। अरे साहब ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। जानकारी है या जमीन ज्यादा? साइन कर, साइन करो। चलो बर्बाद हो जाएंगे, कैसे जिए? तुम भी जाओ। ठीक है जाओ। हाँ तुम इधर आओ, यहाँ साइन करो। करना तुम भी करो। अब पीछे साइन करो। ये लो पेन लो, साइन करो। तुम यहाँ मेरे को अलग से बोलना पड़ेगा। ये लो कर। हो गया जाओ। ए, सब करेक्ट है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है परमात्मा, शाम को घर आ जाना। हो गया सर। हाँ? सब हो गया। हाँ ठीक है चलो। ठीक है। अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा कुछ नहीं बचा। अरे अब हम लोगों का क्या होगा? बीवी बच्चों को क्या खिलाए? साहब काम हो गया? हाँ हो गया हो गया, चलो। हाँ अरे तुझे कीड़े पड़ेंगे, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं होगा। अरे हम लोग बर्बाद कर दिया, आ जाएंगे। अरे बोल भाई। बोल क्या? सरकारी पार्क का आधा हिस्सा हड़प कर दीवार बनवा दी है। हाँ। और बाकी का जो काम बचा है वो अपने लड़कों को कह दिया है। कॉरपोरेशन की जगह पे कब्जा करना या दीवार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, नाम पे कराना बड़ी बात है। अभी उस पे बिल्डिंग नहीं बना सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आराम से हजम करेंगे। अरे भाई भाई भाई, 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 भाई क्या हुआ रे भाई? हम लोग स्कूल पे जो कब्जा करने गए थे ना, पांडे ने हमें मार के भगा दिया। वो क्या हुआ? महेंद्र पांडे के आदमियों ने हमें मार के भगा दिया। अभी वो कहाँ? वही पार्क के पास खड़ा है। चलो गाड़ी निकालो। हाँ। चलो। हाँ जल्दी करो जल्दी। वो जानता नहीं उसने किस पर हाथ डाला है, हम उसे बताएंगे। चलो ए, चलो उतरो सब, जल्दी करो। ए कुटी। हाँ हाँ भाई, इसे बुला कर लाओ। हाँ ए भाई तुमको बुला रहे हैं। ए उसे बोल मैं बुला रहा हूँ, चल जा। उसने मुझे खुलेआम धमकी दी है, उसमें कुछ तो बात है भाई। अभी इतना उड़ रहा है, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। पर आप हाँ कह दो, उसे यहाँ लाके आपके सामने टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए, ये काम इतना आसान नहीं है, वो अलग तरह का आदमी है, मौका देखकर मारना पड़ेगा। अरे एक आदमी ही तो है क्या भाई, आप भी गन खोपड़ी पे लगा के फायर करूंगा ना तो मरेगा ही ना। बोलिए आप, बोलिए बोलिए ना। कौन? तुम उसे मारोगे? तुम्हारी खोपड़ी पर गन रखी थी उसने, अगर तुमने लापरवाही नहीं की होती तो मैं उसे उसी समय मार देता, वहां उसकी लाश पड़ी होती। हाँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। अच्छा उस वक्त मैं इधर उधर ध्यान नहीं दिया, अभी क्या करना है भाई ये बोलो, अभी अभी बोलो क्या करना है। पहले ही तुम्हारे नाम पे 2-3 मर्डर केस हैं, अब और नहीं चाहिए। कहा ना मैं उसे देख लूंगा। आओ परमानंद, जो कहा था वो कर दिया? हाँ साहब। आपकी बात कभी मैंने टालिया क्या? हाँ। वो जगह महेंद्र पांडे की बड़ी बेटी कविता के नाम पर है। ओ ये बात है। हाँ तब ठीक। हाँ ठीक है साहब। हाँ हाँ जाओ। भाई लड़की का मामला है ना, मैं संभाल लूंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तू मेरी सारी बातें मानता है, पर लड़की के मामले में तू मेरी बात नहीं सुनता। जा पर लापरवाही मत करना, बैठा क्या जाना। Hi, how are you? हाँ मैं बस पहुंच ही रही हूँ। हाँ।
नमस्ते नेताजी। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे आओ इंस्पेक्टर, हवा किस तरफ की चल रही है? अपने एरिया में एक नया एसीपी आया है। ठीक है, घर ले आओ उसे, जो मांगेगा दे देंगे। आप जैसा सोच रहे हैं वो उस टाइप का बिल्कुल नहीं है। न्याय कानून डिसिप्लिन लॉ एंड ऑर्डर मानने वाला एक सख्त ऑफिसर है, डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा अच्छा, है। अच्छा, वहाँ पे हाथ डालेगा? हा? सिर्फ इतना ही नहीं नेताजी, उस एसीपी ने आते ही सारे बड़े अपराधियों की लिस्ट बना रखी है, कितने लोगों को अंदर करना है, कितने का एनकाउंटर करना है, सबकी प्लानिंग कर ली है उसने। एनकाउंटर में पहला नाम किसका है पता है? आपके भाई का नाम है। ऑर्डर मिलते ही एक मिनट के अंदर आपके भाई को शूट कर देगा। वो शूट कर देगा? मेरे भाई को शूट कर देगा? नेताजी गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, कोर्ट है और कानून है। अगर आप कुछ दिनों के लिए अपने भाई को अंडरग्राउंड कर दें तो बच जाएगा। क्या कहा? उस एसीपी के डर से अपने भाई को अंडरग्राउंड करवा दूं? थोड़े दिनों की तो बात है नेताजी, मामला शांत होने तक रुक जाइए, उसके बाद आप उसका ट्रांसफर करवा दीजिएगा। आपके लिए आपका भाई इम्पोर्टेंट है, ठंडे दिमाग से सोचिए नेताजी। मैं चलता हूँ नेताजी, चलता हूँ भाई। ये मामला शांत होने तक नगर को चले जाओ। भाई आप इसकी बात मानकर? सुन, पुलिस वाले बिल में छुपे सांप की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलेगा कब डस लेंगे, मेरी बात मान जा। भाई मैं वो अकेले जाकर क्या करूंगा? अपने साथ कुछ लड़के ले जाओ। उन्हें ले जाकर क्या करूंगा? क्या? मुझे किसे लेकर जाना है? मैं जाऊंगा। किसे लेकर जाओगे? सरप्राइज। ए, पुलिस वाला तुम्हारे एनकाउंटर की बात कर रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। भैया ये कविता महेंद्र पांडे की बेटी है? महेंद्र पांडे की बेटी कविता। कविता पांडे जी की बेटी? हाँ। ओ ये बात है। हाँ। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। पिताजी कैसे हैं? पिताजी भी ठीक है। हाँ। जाओ इसे लेकर जाओ, खाना वाना खिला दो। ठीक है भैया, चलो। बारे में भैया और तुम्हारे पिताजी को पता चल गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन तो पहले से ही, और अब न जाने। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे पिताजी के पैर पकड़कर विनती की, उन्होंने कहा कि एक भाई हमारा दुश्मन और दूसरा मेरी बेटी से प्यार करने की जरूरत कर रहा है, मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे लात मार कर भगा दिया। पिताजी, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, वो तो सभी प्यार करने वालों को सपोर्ट करते हैं, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो हम दोनों को भी मिला देंगे। ये तो मान ही नहीं रही। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है ऐसा लगता है। ऐसी बात नहीं है करण, अगर भरोसा नहीं होता तो तुम्हारे साथ आती क्या? मैंने अपने प्यार के लिए अपने पिता समान भाई को छोड़ दिया, पर तुम अपने पिता को छोड़कर आने को तैयार नहीं। इतना सोच रही हो तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। करण, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चले जान, चलो। नमस्ते साहब। हाँ साहब, कोई जरूरी काम था क्या? हाँ, हाँ, हाँ। वो क्या है, मेरी बेटियाँ कहीं भी जाती हैं मुझे बता के जाती हैं, कल से बड़ी बेटी कहाँ गई कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैंने अपने लड़कों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, इस मामले में आप ऑफिशियली के अलावा पर्सनली कुछ करें तो मेहरबानी होगी। आप भी ना साहब, ये हमारे घर का मामला है, आप जरा भी चिंता मत कीजिए साहब, लड़की कहीं भी होगी उसे ढूंढ कर लाना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे जो भी हो।
किसने किडनैप किया होगा। साहब आपको किसी पर शक है क्या? इस एरिया में मुझे किसी पर शक नहीं। वैसे दुश्मन तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन संदेह किस पे करूं समझ नहीं आ रहा। कोई प्यार व्यार का चक्कर? अरे नहीं नहीं नहीं, इस गांव में प्यार करने वालों को मेरा पूरा सपोर्ट रहता है। फिर क्या मैं अपनी बेटी के प्यार को नहीं समझूंगा? अरे ये बात वो भी जानती है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। नमस्ते साहब। हाँ जी साहब। तुम्हें उसका कुछ पता चला? नहीं चला। नहीं चला? नहीं चला। ठीक है, कहीं और ढूंढो। हाँ साहब जी। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। आराम से पहुँच गए ना? हाँ मैं तो कब का पहुँच गया। संभल के रहना, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, याद है ना? आप तो मुझे जानते ही हैं, वो ढूंढते रहेंगे, मैं हाथ में आने वाला नहीं। आप चिंता मत करो। सुनो, तुम उस लड़की को लेकर बाहर ज्यादा मत घूमना। भाई मैं लड़की वड़की के पीछे नहीं घूमता, मेरे लिए तो जो कुछ भी है बस आप ही हैं। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, कोई जरूरी काम हो तो फोन करना, वरना मैं खुद फोन करूंगा। ठीक है भाई। ठीक है। प्रणव रेडी हो? दीदी ऐश्वर्या, ऐश्वर्या दीदी तुम कैसी हो? रो मत दीदी, तुम बहुत पतली हो गई हो। मैं खुश हूँ दीदी, रो मत ना, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने परिवार की इज्जत को ताक पर रखकर भाग कर चली आई। रो मत दीदी। पिताजी कैसे हैं? वो ठीक है, पर तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। तुम हमें भूल गई हो दीदी। मैं कैसे भूल सकती हूँ? अगर बोली नहीं तो फोन क्यों नहीं किया? जाओ, मुझे माफ कर देना ऐश्वर्या। जानती हूँ इनके घर में बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे तुम लोगों को बिना बताए शादी करनी पड़ी। क्या हुआ? खैर ये सब छोड़ो, ये वही है। जीजाजी, मेरी दीदी हमसे बहुत प्यार करती हैं। वो हमें छोड़ के आपके पास चली आई, तो सोचिए आपसे कितना प्यार करती होंगी। बाबू का नाम क्या है? प्रणव। प्रणव, प्रणव मेरे पास आओ बेटा, मेरे पास आओ। उसे अभी स्कूल जाना है इसलिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम इसे लेकर मंदिर जाना चाहते थे, अब तुम भी साथ चलना। चलोगी ना? चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है?